नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 5 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन क्या था दोस्तों? तो वह क्वेश्चन था, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 को दोस्तों महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। तो ये बी इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था कल वाली वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों आज के वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, तथा नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है उस घंटे के साइन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तथा इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इस वीडियो की PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के प्रबंध निदेशक MD और CEO मुख्य कार्यकारी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है दोस्तों SS मल्लिकार्जुन राव। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो PNB बैंक की बात आई है, तो हम PNB बैंक के बारे में जानते हैं, तो SS मल्लिकार्जुन कौन है उनके बारे में जानते हैं। तो ये फोटो में आपको दोस्तों SS मल्लिकार्जुन राव दिखाई दे रहे हैं, जो PNB बैंक के वर्तमान में CEO और MD बने हैं। तो इनके बारे में जानते हैं, इससे पहले PNB बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो वह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना दोस्तों 19 मई 1894 को की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के जो संस्थापक थे उनका नाम था दोस्तों दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। तो ये इसके PNB बैंक के बारे में जानकारी हो गई। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो दोस्तों SS जो मल्लिकार्जुन राव है उनको पंजाब नेशनल बैंक PNB का MD और CEO नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में दोस्तों इलाहाबाद बैंक के मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवारत हैं और वह PNB के सुनील मेहता का स्थान लेंगे। तो इनसे पहले PNB बैंक के जो MD CEO थे उनका नाम सुनील मेहता था, अभी कौन हो गए हैं? SS मल्लिकार्जुन राव हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक MOU साइन किया है, उस MOU के बारे में हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो वर्तमान में MD और CEO हैं उनका नाम है दोस्तों PS जयकुमार, और बड़ौदा बैंक का जो मुख्यालय है वह बड़ौदा गुजरात में इसका मुख्यालय स्थित है। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय सेना के साथ दोस्तों एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत बैंक खाताधारकों को सुविधाओं की मेजबानी के साथ साथ अनुकूलित सेवाएं भी प्रदान करेगा। इस MOU के अंतर्गत निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, 15 लाख से 50 लाख रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा कवर और शुद्ध मासिक वेतन की 3 गुना तक ओवरड्राफ्ट सुविधा शामिल है। दोस्तों यह सुविधाएं 70 वर्ष की आयु तक भारतीय सेना के पेंशन धारकों के लिए भी लागू होगी। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला की श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया है? पान मसाला और जो गुटखा तंबाकू गुटखा आती हैं उन पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों इस पर जो हाल ही में 2 अक्टूबर को प्रतिबंध लगाया गया है और वह लगाया है राजस्थान ने। तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो गया। ये फोटो में आप पान गुटखा तंबाकू से बने हुए जो पुड़िया सुपारी आती है वो आप देख रहे हैं, इन पर राजस्थान राज्य में बैन लगा दिया गया है। तो राजस्थान के बारे में जानते हैं, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्रीमान अशोक गहलोत हैं। वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो कालराज मिश्र हैं, ये राजस्थान के वर्तमान गवर्नर हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में जानकारी। दोस्तों भारत में महाराष्ट्र और बिहार के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बना है जो मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन, तंबाकू, खनिज तेल और सुगंधित सुपारी वाले
पान मसाला की कुछ श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इस प्रकार के सभी उत्पादों को अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजदूत के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया एंड द नीदरलैंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का विमोचन किया गया है। ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो विमोचन किया गया है वह नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, वहां पर किया गया है। तो वहां भारतीय राजदूत वहां पर कौन है, उनका नाम है दोस्तों वेणु राजामौनी। तो वेणु राजामौनी की पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये फोटो में दोस्तों आपको वेणु राजामौनी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो इस पुस्तक में क्या है वो देखते हैं। तो नीदरलैंड के दोस्तों भारतीय राजदूत जो वेणु राजामौनी है उनके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया एंड द नीदरलैंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का विमोचन एम्स्टर्डम में हुआ है। ये दोस्तों पुस्तक दोनों देशों के बीच की सांस्कृतिक विरासत का बोध कराती है और इस पुस्तक का विमोचन नीदरलैंड के एक समारोह में हुआ जिसमें वहां के राजा और रानी उपस्थित थे। इस पुस्तक की पहली प्रति डच के राजा विलियम अलेक्जेंडर के द्वारा सभी उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में प्राप्त की गई और यह पुस्तक बॉम्बे इंक द्वारा प्रकाशित की गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है वह किस देश ने महात्मा गांधी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो किस देश ने किया दोस्तों, तो 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी उस उपलक्ष्य में जो फिलिस्तान देश है, फिलिस्तान ने दोस्तों महात्मा गांधी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये डाक टिकट आप फिलिस्तान का फोटो में देख सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन ने महात्मा गांधी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है जो उनकी विरासत और मूल्यों का सम्मान करते हुए विश्व नेता की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए है। और फिलिस्तीनी जो प्राधिकरण के दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसाक शेडर ने रामल्ला में डाक टिकट जारी किया है और फिलिस्तीन द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी करना दोस्तों गांधी की स्मृति, विरासत और उन मूल्यों के सम्मान के अंतर्गत आता है जो निर्देशित और मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ये जानकारी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व 2019 की शुरुआत कब की गई। तो राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व 2019 की शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में की गई। तो यह पर्यटन पर्व कब तक चलेगा, 2 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक यह पर्यटन पर्व चलेगा। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो ये फोटो में आपको पर्यटन पर्व 2 से 13 अक्टूबर 2019 से देख सकते हैं। कम लेट्स सेलिब्रेट टूरिज्म, ये भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो इसके बारे में देखते हैं, देखो अपना देश। तो राष्ट्रव्यापी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में दोस्तों 2 अक्टूबर को पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन किया गया और यह आयोजन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित है। इसी के साथ ही दोस्तों पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन 2 से 13 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण देश भर में किया जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक जागरूकता अभियान ऊर्जागिरी की शुरुआत की है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है, तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऊर्जागिरी जो जागरूकता अभियान ऊर्जागिरी है उसकी शुरुआत की है। तो इस ऊर्जागिरी अभियान में क्या खास है इसके बारे में जानते हैं। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं पहले। तो उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उसकी गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य है, वहाँ की गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जिन्होंने दोस्तों एक जागरूकता अभियान ऊर्जागिरी को हाल ही में शुरू किया है जिसका उद्देश्य बिजली जो चोरी करते हैं बिजली चोरी को रोकना और बचत करना है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बिजली के नुकसान से बचने के लिए व्यापक जागरूकता की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया है। तो ये जानकारी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में होगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मो सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये उड़ीसा राज्य की सरकार ने मो सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इस कार्यक्रम में क्या खास है उसके बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और वहाँ के जो वर्तमान गवर्नर हैं वह है गणेशी लाल।
अब जानते हैं क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। दोस्तों यह कार्यक्रम गांधीवाद सोच को बढ़ावा देता है, साथ ही लोगों को उनके अधिकारों के प्रति आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मो सरकार कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार और जो व्यावसायिकता पर प्रतिक्रिया एकत्र करके शासन में सुधार करना है। यह कार्यक्रम कटक, संबलपुर, बेरहामपुर के 21 जिला मुख्यालयों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में शुरू किया गया है। तो ये दोस्तों जानकारी होगी इस क्वेश्चन के बारे में। जो अगला जो क्वेश्चन है वह है टाटा कम्युनिकेशंस के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों टाटा कम्युनिकेशंस के जो नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अमूर एस लक्ष्मी नारायण। तो ये अमूर एस लक्ष्मी नारायण आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये टाटा कम्युनिकेशन के नए MD और CEO बने हैं। तो इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन ने अमूर एस लक्ष्मी नारायण को कंपनी के MD और CEO यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें दुनिया भर में उद्योगों और क्षेत्रों के नेतृत्व की भूमिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में 35 साल का अनुभव रहा है। दोस्तों इस नियुक्ति से पहले लक्ष्मी नारायण है ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS जापान के अध्यक्ष और CEO थे। उन्होंने कंपनी के ग्लोबल हेड ऑफ टेलीकॉम, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हाईटेक और यूटिलिटीज और TCS UK यानी यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है वह देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों 2019 का UNHCR नॉन चेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया है, उनका नाम है अजीज बेग आसू रॉव। तो अजीज बेग आसू रॉव इसका राइट आंसर हो गया। तो ये फोटो में दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये है अजीज बेग आसू रॉव है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नॉन चेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो UNHCR है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब दोस्तों जानते हैं क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो किर्गिस्तान के मानवाधिकार वकील अजीज बेग आसूरोव को 2019 का संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी प्रतिष्ठित नॉन चेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार दोस्तों इनको आसूरोव को 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में एक समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार में एक स्मारक पदक होगा और इसी के साथ USD यानी US के डॉलर 150,000 की नगद राशि जो डॉलर के रूप में होगी वह इन्हें दी जाएगी। इसके अलावा बताऊँ दोस्तों आपको, इसके अलावा UNHCR ने अजीज बेग आसूरोव को उनके संगठन जो फ्रग्या वैली लॉयर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी FVLWB के साथ किर्गिस्तान की मदद करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पहला ऐसा देश बन गया है जिसने राज्य विहीनता को खत्म कर दिया है और उनके संगठन ने 10,000 लोगों को किर्गिज राष्ट्रीयता दिलाने में मदद भी की है, इसलिए उन्हें यह इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपको आता है या नहीं। सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसिडर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है विद्या बालन, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, गीता फोगाट। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा है, रोज हमारी वीडियो देखते हैं, तो आपका ये आंसर जरूर सही होगा। तो इसका आंसर क्या है वह जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साथ बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।